हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप पंजाब टेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं कैसे करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया के लिए आपका यहाँ सारा गाइडेंस दी रखी है। बीएड होने चाहिए, ईटीटी होने चाहिए, बीएड फॉर पेपर टू एंड ईटीटी डीएड फॉर पेपर वन। फ़ी स्ट्रक्चर इनका यहाँ दिया गया है। पेपर वन के लिए एससी की फ़ीस है 500 और बोथ के लिए 600 है, और सॉरी 1000 है। अगर हम बात करें जनरल की, उनकी फ़ीस 2000 है। की डेट्स की बात करें, इनकी लास्ट डेट जो है 4th ऑफ नवंबर है। तो रजिस्टर करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा रजिस्टर ऑनलाइन। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये पेज आएगा, रजिस्ट्रेशन पेज। फ़ी स्ट्रक्चर बताया गया है जो मैंने आपको बताया। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। सी टेट का फॉर्म जैसे होता है सेम वैसे ही फॉर्म है ये। सबसे पहले अपना आप नाम फिल करेंगे यहाँ पर। ये डिटेल है, बड़े ही आपने ध्यान से फिल करनी है। मदर नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। जो भी आप डिटेल फिल करेंगे उसको बड़े ही ध्यान से चेक करिएगा। इनकी करेक्शंस वगैरह का कोई चांस नहीं होता, अदरवाइज़ आपको बोर्ड विजिट करना पड़ता है। ईमेल आईडी सही रखिएगा, ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग ही आपका इन फ्यूचर जो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ये उसके थ्रू ही करेंगे। फ़ोन नंबर आएगा, आपकी आइडेंटिफिकेशन टाइप आएगी, वोटर कार्ड आएगा या जो भी आएगा, तो उसको आप फिल के कर देंगे। एड्रेस आपका आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगी, तहसील आएगी, उसके बाद आपका ये उसके अकॉर्डिंग आएगा जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आएगा। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, पासवर्ड एक सेट करेंगे आप। पासवर्ड में आपके कैपिटल करेक्टर्स होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए और कुछ स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। अदरवाइज़ आप सिंपल पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, बाद में रिकवरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्कूल का नेम दे दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो ये सारी डिटेल फिल करके बड़े ही ध्यान से आप चेक करेंगे। अगर सब कुछ जानना, नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबमिट करेंगे। पासवर्ड नॉट मैच आ रहा है, सो पासवर्ड में हम फिर से सेट कर लेते हैं। पासवर्ड हमने सेट कर दिया, सबमिट किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है। ओटीपी हमें मोबाइल पर जाएगा, ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो हम ओटीपी यहाँ पर देख लेते हैं। ओटीपी आपको साथ के साथ रिसीव हो जाता है। बाई चांस अगर आपको ओटीपी रिसीव ना हो तो आप रीसेट ओटीपी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें ओटीपी रिसीव नहीं हुआ, की बार लिटिल बिट थोड़ा टाइम लग जाता है ओटीपी रिसीव करने के लिए, तो हम उसका वेट कर लेते हैं। सो ओटीपी हमने दोबारा टेल फिल करके फिल किया, ओटीपी रिसीव हो गया। तो आप ओटीपी फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब आप वेरीफाई करेंगे ओटीपी, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हो जाएगा आपके फ़ोन पे भी, और यहाँ पर आपको ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको फर्दर टेल फिल करनी होगी। ये आपको सारे जो फील्ड्स हैं कंप्लीट करने पड़ेंगे, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन, देन सो ऑन। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। कुछ डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल होगी, जो नहीं है उसको आप फिल करेंगे। नीचे जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपकी कैटेगरी आएगी। बड़े ध्यान से कैटेगरी चूज़ करनी है, बिकॉज कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। पंजाब के हैं, अदर देन पंजाब है, नेशनलिटी बाई डिफ़ॉल्ट होगी। कोई आप जॉब करते हैं या नहीं करते, और अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग यस नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे आपको यहाँ पर कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, पेपर वन या टू, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनका एजुकेशन क्रिटीरिया है, क्वालिफिकेशन आप मीट करते हैं, यस करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, इनमें से बीए, बीएससी, मतलब ईटीटी की अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आएगा, या बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आएगा। हमारा ये वाला ब्लॉक सही है, तब उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। कौन से स्वेक के लिए अप्लाई करना है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दीजिए जिसमें भी करना है, और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको डिटेल यहाँ फिल करनी होगी, आपका जो भी मार्क्स रहेंगे, क्लास 12th के सीनियर सेकेंडरी उन्होंने मांगा है। अब पासिंग मार्क्स, पासिंग ईयर आपका क्या रहेगा वो आप फिल करेंगे, कितने आपके मार्क्स थे मैक्सिमम और कितने आपने मार्क्स सिक्योर किए, ग्रेजुएशन, बोर्ड आप लिखेंगे, पासिंग ईयर आपका कौन सा था यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे और आपके कितने मार्क्स आए।
तो उसके बाद आपकी बीएड या डिग्री है, डिप्लोमा आपका ईटीटी होगा, डीएड होगा और डिग्री आपकी बीएड होगी। सो इसमें आप यूनिवर्सिटी लिखेंगे या कॉलेज का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, रिजल्ट आपका क्या था और कितने आपके परसेंट आए, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे सारी डिटेल फिल करके। अगर आपका कोई भी मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फोटो साइन अपलोड करेंगे। ये जो डिटेल आपको बता रहा हूँ फिल करनी है, बड़े ध्यान से फिल करनी है, इसमें गलती मत करिएगा, अदरवाइज़ इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमने यहाँ पर फ़ोटो चूज़ कर ली कैंडिडेट की और यहाँ से सिग्नेचर चूज़ कर लिए और सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। जब ये सारा कुछ कर लेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, इसको बड़े ही ध्यान से आप चेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन करनी है, आप होम पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो साइन, जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करके आप नीचे यहाँ से उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर सब कुछ डन है, फोटो एंड सिग्नेचर पर जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, प्रोसीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आप पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे। जो भी इनकी पेमेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, जैसे इनकी 2000 रहेगी तो हम वो पेमेंट कर देंगे। बाकी जो भी आपका क्रिटेरिया है पेमेंट का, जो भी आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट होगी। तो ये है वेबसाइट, इसके अकॉर्डिंग आप फिल करिए। आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप वो रिकवरी कर सकते हैं। बाकी घर बैठे फॉर्म फिल कराना चाहते हैं, हमारे थ्रू करवा सकते हैं। जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।